और अब एक ऐसे शब का जिक्र जिस शब भर सुबह का जिक्र हुआ, सुबह तख्लीक की गई। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इसी सभागार में नीचे के हॉल में एक बहुत बड़ा जश्न हुआ था और आप सब जो उस जश्न में शामिल थे, आप इस बात के एक चश्मदीद गवाह रहे होंगे कि उस रात, वो रात पूनम की रात थी, उस रात चांद निकला था और एक ऐसा नाम जो गीत संगीत के की दुनिया में तो बहुत पहचाना हुआ नाम है, लेकिन शायरी की दुनिया में, गज़ल की दुनिया में वो नाम बड़े आहिस्ता से आया और आते ही उसने जो धमाका किया वो लोगों के कान में आज भी गूंज रहा है। जब मैं बोलती हूँ कि ये नाम गज़ल की दुनिया में नया नया है, तो इस नया नया को आप वो मत समझिएगा जिसको, जो बिल्कुल नया होता है और जिसके पास कोई तजर्बा नहीं होता है। ये वो वाला नया है जैसे इश्क होता है, रोज़ पुराना होता है, रोज़ नया होता है। और जो असल इश्क होता है ना, वो जितना पुराना होता जाता है उतना ही नया होता जाता है। तो हम एक ऐसी शायरा को आवाज़ दे रहे हैं जिनके अंदर सूफियाना तबीयत भी है और आशिकाना तबीयत भी है, और जब इश्क सूफी बन जाए तो वो एक उस मयार पे पहुंच जाता है जहां पर शायद हर इंसान पहुंचना चाहता है और अपने इश्क को पहुंचाना चाहता है। देखने में बहुत सादा सी, आँखों में बिल्कुल एक समंदर है उनके, आप ध्यान से देखिए तो। और उनका गज़लों की किताब उनकी पिछले दिनों शाया हुई यहीं पर चित्रनगरी संवाद मंच और इशाद की तरफ से, सुबह शब भर उसका उन्वान था। बतौर शायरा, अब जब मैंने गज़लों की किताब का नाम लिया तो नाम तो आप जानते ही हैं, पूनम विश्वकर्मा जी, वो एक ऐसी शायरा हैं जो जब वो पढ़ती हैं तो उनके अंदर की जो औरत है, उसका जो दर्द है, वो सारी दुनिया में फैल जाता है, हम सब जुड़ सकते हैं उससे। तो एक तरफ औरत की नफ्सियाती बातों को बहुत बहुत ही मुलायमियत से कहना, दूसरी तरफ सूफियाना अंदाज में इश्क की बातें करना, बिला शक वो एक मोतबर शायरा हैं और उनको सुनना और उनको तरन्नुम में सुनना तो एक नशा तारी होने जैसा है। मैं उनके दो शेर पढ़ूंगी जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक शेर तो ये है कि मैं भी इंसान हूँ ये बताया गया, पर मैं औरत हूँ ये भी सिखाया गया। और दूसरा शेर है उनका, हमने जिन्हें रखा था अभी तक संभाल कर, हमने जिन्हें रखा था अभी तक संभाल कर, वो खुश हुए हैं हमको मुसीबत में डालकर। और पूनम के अशार, पूनम के अशार पूनम की आवाज़ में आएंगे तो शायद दाद किसी और आसमान तक जाएगी, इसलिए मैं पूनम विश्वकर्मा जी को बाइज़्ज़त व एहतराम आवाज़ दे रही हूँ। मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं इतने समृद्ध मंच पर खड़ी हूँ। चित्रनगरी संवाद मंच आज की तारीख में कोई छोटा मंच नहीं है। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स या जितनी भी हमारी ख्वातीन हैं, सभी लिखने पढ़ने वाली हैं, तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ इतने अच्छे लोगों के लिए। और मैं इसलिए भी अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि आज मैं, यकीन जानिए, अभी तक देवमणी पांडे सर इतना मीठा बोलते हैं, इनका तो कुछ जवाब ही नहीं, और इतनी जानकारियों से भरे हुए हैं, मतलब कोई कोना बाकी नहीं है इनसे। और सूरज प्रकाश सर बैठे हैं, नवीन चतुर्वेदी सर बैठे हैं, प्रणाम करती हूँ आपको, देखती हूँ ना तो कमी नहीं महसूस होती कि पापा यहाँ नहीं। तो आइए मैं सीधे अपनी रचनाओं पे आती हूँ। नवीन सर आपको प्रणाम करती हूँ मैं, और कहना चाहती हूँ कि रखती जख्मों का तू हिसाब नहीं। दमयंती दीदी बैठी है, बट मतलब मैं नाम लेना चाहती हूँ बट मेरे पास वक्त नहीं, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। रखती जख्मों का तू हिसाब नहीं, जिंदगी तेरा भी जवाब नहीं। रखती जख्मों का तू हिसाब नहीं, जिंदगी तेरा भी जवाब नहीं। खार ही खार क्यों है दामन में, खार ही खार क्यों है दामन में, एक औरत हूँ मैं गुलाब नहीं। रखती जख्मों का तू हिसाब नहीं,
जिंदगी तेरा भी जवाब नहीं, खार ही खार क्यों है दामन में, एक औरत हूँ मैं गुलाब नहीं, और कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी बातें कहीं और ले जा रही हूँ, औरत से बाहर निकलिए रोमांस की तरह, तुम्हारी बातें मुझे जादुई सी लगती हैं, तुम्हारी बातें मुझे जादुई सी लगती हैं, कभी मैं बन के तुम्हारी जबान देखूंगी, और आप जैसी जबान, मतलब इतनी जबानें हैं जिनकी जैसा मैं बनना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, उसमें से आप हैं, नवीन सर हैं, मेरी पांडे सर हैं, मैं बहुत भूखी हूँ आप सबकी खूबियाँ लेने के लिए, तुम्हारी बातें मुझे जादुई सी लगती हैं, कभी मैं बन के तुम्हारी जबान देखूंगी, ये तुमसे इश्क का करता है बारहा दावा, ये तुमसे इश्क का करता है बारहा दावा, कभी मैं दिल का मेरे, कभी मैं, ये तुमसे इश्क का करता है बारहा दावा, कभी मैं, कभी कभी मैं दिल का मेरे इम्तहान लेके देखूंगी, ऐसे कुछ ख्याल था, सॉरी। मैं आती हूँ दूसरे पे शेर पे, कि जिस शेर का जिक्र अभी किया इन्होंने, कि मैं हूँ इंसान मुझको बताया गया, मैं हूँ इंसान मुझको बताया गया, पर मैं औरत हूँ ये भी सिखाया गया, जिससे हर दर्द की एक दवा बन गई, जिससे हर दर्द की एक दवा बन गई, मेरे सीने में वो दर्द पाया गया। शुक्रिया शुक्रिया भाई, मैंने आपका नाम लिया, आप चले गए थे, आपकी निजामत की लेकिन कमी नहीं महसूस हो रही, प्रतिमा जी हैं तो सॉरी, बेहतर बिल्कुल। कोई रिश्ता निभा कर भी, मेरी तरफ नजर कर लें, कोई रिश्ता निभा कर भी कैसे निभे, कोई रिश्ता निभा कर भी कैसे निभे, घर मिटा कर खुद ही को निभाया गया। और इस गजल का आखिरी शेर है कि मुख्तसर सी कहानी है दिल की मेरे, मुख्तसर सी कहानी है दिल की मेरे, मेरे दिल में जो आया, मुख्तसर सी कहानी है दिल की मेरे, मेरे दिल में जो आया वो आया गया। शुक्रिया। और सुने के हूँ पहेली जी, मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा जोर से बोले। हाँ मुझे पढ़ना है, मैं हूँ इंसान ये भी बताया गया, पर मैं औरत हूँ ये भी सिखाया गया, जिससे हर दर्द की एक दवा बन गई, मेरे सीने में वो दर्द पाया गया। मुख्तसर सी कहानी है दिल की मेरे, मुख्तसर सी कहानी है दिल की मेरे, मेरे दिल में जो आया वो आया गया। कोई रिश्ता निभा कर भी कैसे निभे जी, कोई रिश्ता निभा कर भी कैसे निभे, घर मिटा कर खुद ही को निभाया गया, और मुख्तसर सी कहानी है दिल की मेरे, मेरे दिल में जो आया वो आया गया। हूँ पहेली तू मुझे हल कर दे, हूँ पहेली तू मुझे हल कर दे, तू मुझे छू के मुकम्मल कर दे, जिस्म लोबान बना दे मेरा, जिस्म लोबान बना दे मेरा, और मेरी रूह को संदल कर दे। और तहत में गजल और सुन लें, कि आबरू कहकर छुपाई जा रही हूँ, आबरू कहकर छुपाई जा रही हूँ, मौत से पहले जलाई जा रही हूँ, आबरू कहकर छुपाई जा रही हूँ, मौत से पहले जलाई जा रही हूँ, लक्ष्मी हूँ फिर भी कोई खुश नहीं है, लक्ष्मी हूँ फिर भी कोई खुश नहीं है, मैं पराया धन बताई जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसलिए लक्ष्मी हूँ फिर भी कोई खुश नहीं है, लक्ष्मी हूँ फिर भी कोई खुश नहीं है, मैं पराया धन बताई जा रही हूँ। कल तलक बेटा बहू और घर मेरे थे, कल तलक बेटा बहू और घर मेरे थे, आज वृद्धाश्रम में लाई जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत से आप सब मुझे सुन रहे हैं। तो एक कथा और सुना देने का मन कर रहा है कि आए मेरे गुल मैं तेरे खार को बिछाऊंगी, मोहब्बत की इंतहा देखें आप। आए मेरे गुल मैं तेरे खार को बिछाऊंगी, तेरी खातिर
मैं तेरे यार को भी चाहूंगी। अरे मेरे गुल, मैं तेरे खार को भी चाहूंगी, तेरी खातिर मैं तेरे यार को भी चाहूंगी। इश्क है, जंग नहीं है कि तुझे जीत ही लूं। क्या बात है। इश्क है, जंग नहीं है कि तुझे जीत ही लूं, जीत तेरी हो तो मैं हार को भी चाहूंगी। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तरन्नुम से, क्योंकि तरन्नुम की बात कही प्रतिमा जी ने, तो मैं तरन्नुम पे आती हूँ और कुछ आपको अच्छा सुनाने की कोशिश करती हूँ। रीत की मानिंद मुट्ठी से फिसलती जिंदगी, रीत की मानिंद मुट्ठी से फिसलती जिंदगी, रात के डर से जरा सी और ढलती जिंदगी, रेत की मानिंद मुट्ठी से फिसलती जिंदगी, जिंदगी का बस यही हासिल के कुछ हासिल नहीं, जिंदगी का बस यही हासिल के कुछ हासिल नहीं, राख हो जाओगी एक दिन, राख हो जाओगी एक दिन, लेके जलती जिंदगी। शुक्रिया। राख हो जाओगी एक दिन, लेके जलती जिंदगी, दिल में एक बच्चा है भी खेलने को बेकरार, दिल में एक बच्चा है भी खेलने को बेकरार, अब नहीं लेकिन खिलौनों से बहलती जिंदगी, अब नहीं लेकिन खिलौनों से बहलती जिंदगी। और इसका आखिरी शेर सुने और समझे मैं कहाँ पहुंच रही हूँ और आप भी वहां तक चले मेरे साथ। हमने उरिया मौत का देखा तमाशा बारहा, हमने उरिया मौत का देखा तमाशा बारहा, पर नजर आई नहीं कपड़े बदलती जिंदगी, पर नजर आई नहीं कपड़े बदलती जिंदगी, रेत की मानिंद मुट्ठी से फिसलती जिंदगी। कुछ इशार आप तक पहुंचने जरूरी है इसलिए मैं घड़ी नहीं देख रही हूँ, छोटा थोड़ा एक मतलब एक शेर सुनाऊंगी कि क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ, 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 मैं खुद अपनी अदालत में हूँ, मैं खुद अपनी अदालत में हूँ, एक औरत के हूँ जिस्म में आप सबकी नजर, एक औरत के हूँ जिस्म में इसका मतलब हिरासत में हूँ, इसका मतलब हिरासत में हूँ, क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ। और आखिरी शेर सुने के नाम पूनम रखा है मेरा, बड़ा खूबसूरत नाम है ना, बड़ा खूबसूरत नाम, नाम पूनम रखा है मेरा, सुन शब की विरासत में हूँ,
सो मैं शब्द की विरासत में हूँ, क्या कहूँ किस मुसीबत में हूँ। और ये गजल तो आप तक पहुँचनी ही चाहिए, थोड़ा सा और अलग ले जा रहे हैं, मेरे साथ चलते रहिए बस। यहाँ भी तुम हो वहाँ भी तुम हो, सर को नवीन सर को बहुत पसंद है ये गजल, तो आपको प्रणाम करते हुए। आप कई बार महसूस करते हैं, आप कहते हैं इसको पढ़िए, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। यहाँ भी तुम हो वहाँ भी तुम हो, तुम्हारा जलवा किधर नहीं है। यहाँ भी तुम हो वहाँ भी तुम हो, तुम्हारा जलवा किधर नहीं है। अजल से रहते हो मेरे दिल में, अजल से रहते हो मेरे दिल में, तो कैसे कहते हो घर नहीं है। यहाँ भी तुम हो वहाँ भी तुम हो, तुम्हारा जलवा किधर नहीं है। और वो शेर जो नवीन सर को बहुत पसंद है, नवीन दिल डाली है जाना, न तुम हो पेंसिल की कुछ लिखावट। देवड़ी पंडित सर को भी ये बहुत पसंद है ये शेर। न मेरा दिल डायरी है जाना, न तुम ही पेंसिल की कुछ लिखावट। मिटा दे तुमको जो मेरे दिल से, मिटा दे तुमको जो मेरे दिल से, जहां मेरा रब नहीं है। यहां भी तुम हो वहां भी तुम हो, शुक्रिया। तुम्हारा जलवा किधर नहीं है। एक शेर मैं मेरी तरफ से इसमें कहना चाहती हूँ, मैं जैसे हूँ ठहरा कोई लम्हा, मैं जैसे हूँ हिजर की कोई शब, मैं जैसे हूँ ठहरा कोई लम्हा, मैं जैसे हूँ हिजर की कोई शब। मैं काटते काटते कटी हूँ, मैं काटते काटते कटी हूँ, तुम्हें इसकी खबर नहीं है। मैं काटते काटते कटी हूँ, तुम्हें इसकी खबर नहीं है। और आइए एक बहुत पसंदीदा गजल, मैं यूँ कहूँगी कि बहुत बड़ी गायिका रोना रिजवी जी की पसंदीदा गजल ये हो गई है। अलग ही सुबह शबर छपने के बाद मैं पहले तो मैं देवगुड़ी पांडे सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार ताली पांडे सर के लिए बजा दीजिए। मेरी बहर की शुरुआत ही यहीं से हुई, इन्होंने नवीन सर के पास भेजा और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं इतने सारे अशआर लिख दूंगी जो बड़े बड़े गायक गाएंगे। चंदन दास जी गजल गा रहे हैं, ये रोना रिजवी जी की बहुत पसंदीदा गजल है, तो मुझे लगता है एक मतलब एक शेर मैं सुना देती हूँ इसकी। तुमसे तुमको चुराने की हसरत, तुमसे तुमको चुराने की हसरत, तुमसे तुमको चुराने की हसरत, खुद को तुमसा बनाने की हसरत, खुद को तुमसा बनाने की हसरत। ऐ मेरे ख्वाब तेरी नींदों में, ऐ मेरे ख्वाब तेरी नींदों में, ख्वाब बनकर हसरत, ख्वाब बन करके आने की हसरत। खर्च करना है खुद को बस तुम पर, और इतने अच्छे लिखने पढ़ने वालों लोगों पे तो मैं खर्च ही हो जाना चाहती हूँ, तब सुनाती रहूँ। एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए। खर्च करना है खुद को बस तुम पर, और तुमको कमाने की हसरत। बहुत शुक्रिया, इतना प्यार से मुझे सुनने के लिए। मुझे लगता है कि मैं चित्रनगरी में बहुत पहले से आ रही हूँ, लेकिन नवीन सर आपने जो रंग दिया है ना चित्रनगरी मंच को, एक बार नवीन सर के लिए जोरदार ताली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।